कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया ना। राजेश खन्ना आज भी अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका फिल्मी सफर बेहद ही खूबसूरत रहा। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ हमेशा ही तनाव में रहे हैं, भंवर खिल रही है कली कली। क्यों डिंपल कपाड़िया हो गई थी काका से दूर। उनका देहांत 18 जुलाई 2012 में हुआ था। बाबू चाहे जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। राजेश खन्ना बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने काम से स्टारडम को कमाया। 70 और 80 के दशक में हर जगह राजेश खन्ना का ही नाम सुनाई देता था। अपने अभिनय से काका ने करोड़ों लोगों के दिलों में सालों तक राज किया। वहीं लड़कियों के बीच राजेश खन्ना को लेकर एक अलग ही तरह की दीवानगी देखने को मिलती थी। राजेश खन्ना की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने खुद से 16 साल छोटी एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया संग शादी। राजेश खन्ना के इस एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की खूबसूरती के दीवाने हो चले थे राजेश खन्ना। उन्होंने जब डिंपल से शादी की तब वो 32 साल के थे और डिंपल महज 16 साल की थी। शादी कर कुछ साल ही डिंपल और राजेश खन्ना सुकून की जिंदगी देख कर जी रहे हैं। सालों बाद ही दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। शादी के कुछ सालों बाद ही राजेश खन्ना और डिंपल की पहली बेटी ट्विंकल का जन्म हुआ और कुछ समय बाद बेटी रिंकी खन्ना इस दुनिया में आई। राजेश खन्ना का गुस्सा डिंपल कपाड़िया झेल नहीं पा रही थी। साथ ही राजेश खन्ना ने डिंपल पर फिल्मों में काम करने से रोक भी लगा दी। अक्सर जब भी राजेश खन्ना संग डिंपल की लड़ाई होती वो नाराज होकर अपने पिता के घर चली जाती और काफी लंबे समय तक राजेश खन्ना के पास वापस। धीरे धीरे ये दूरियां और भी बढ़ने लगी। राजेश खन्ना को डिंपल समझ नहीं पा रही थी। वहीं दोनों ने कभी तलाक भी नहीं लिया। राजेश खन्ना संग तलाक लेने की वजह डिंपल कपाड़िया के पास उनकी दो बेटियां थी। डिंपल अपनी शादी में काफी परेशान थी। वहीं जब उनकी दो बेटियों का जन्म हुआ तो उन्होंने राजेश खन्ना संग तलाक लेने के फैसले को खुद ही बदल दिया। अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी और वो जानती थी ये उनके पिता राजेश खन्ना ही उन्हें दे सकते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। यही वजह थी कि डिंपल ने कभी भी राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया। शादी के 11 साल बाद डिंपल कपाड़िया ने बिना तलाक दिए राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया, जिसकी वजह राजेश खन्ना के अफेयर्स की खबरें थी। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त होते थे। दूर जब तुम ढल जाए सांझ। इस दौरान अक्सर राजेश खन्ना के अफेयर्स की खबरें भी सामने आती रही हैं। कभी उनका नाम उनकी खास दोस्त अंजू महेंद्रू संग जुड़ता तो कभी एक्ट्रेस टीना मुनीम से उनके लिंकअप की खबरें सामने आती, जिसके बाद डिंपल ने अपनी दोनों बेटियों संग हमेशा के लिए राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और दूसरे घर में जाकर दीवाना होता है, मस्ताना होता है। कि डिंपल कपाड़िया के जाने के बाद एक्ट्रेस टीना मुनीम राजेश खन्ना के घर में आकर रहने लगी। पिता भी टीना मुनीम को बहुत चाहने लगे थे, दोनों ही शादी करना चाहते थे। वहीं डिंपल थी कि राजेश खन्ना को तालक नहीं देता। मुनीम समझ गई थी कि वो कभी राजेश खन्ना की पत्नी नहीं बन पाएंगी, जिसके कुछ समय बाद टीना मुनीम भी राजेश खन्ना को छोड़कर चली गई। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद भी डिंपल कपाड़िया आखिरी समय तक उनके साथ रही। जब राजेश खन्ना काफी बीमार रहने लगे थे तब डिंपल ही उनके पास रहकर उनकी देखभाल करती थी।
सालों तक दूर रहने वाली डिंपल ने अंतिम सांस तक राजेश खन्ना का खूब ध्यान रखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें।